हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज आप पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की एक्सरसाइज 13A में हम आगे बढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में आपने इस 13A में कुछ क्वेश्चन आपने सॉल्व किए थे, तो इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन हम NCERT वाले ही ले रहे हैं, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं वो आपके NCERT क्वेश्चन आपके लिए जाते हैं, और उनसे संबंधित जो क्वेश्चन आपके और रहेंगे उनको भी सॉल्व किया जाएगा। तो इस 13A में आपने तीन क्वेश्चन आपने लगा लिया था, तीन क्वेश्चन आपने अपनी बुक से सॉल्व कर लिया था। आज हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आपके NCERT से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रहा है ये कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, यानी एक घनाकार ब्लॉक है, उस घनाकार ब्लॉक की जो भुजा का मान दे रहा है 7 सेंटीमीटर दे रहा है, और उसके ऊपर क्या रख रहे हैं हम, एक अर्धगोला रख दे रहे हैं, यानी एक आधा गोला है उसके ऊपर हमने रख दिया है। फिर कह रहा अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, और पूछ आपका ये रहा है कि जो अर्धगोला आपने घनाकार ब्लॉक के ऊपर रखा है उसका अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, और इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस प्रकार जो आपका ठोस बन रहा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना। तो देखिए, ये आपके एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले ही आपको सब फार्मूले बता दिए गए थे, चाहे घन से रिलेटेड हो, चाहे घनाभ से हो, चाहे आपके अर्धगोले से हो, गोले से आपके हो, बेलन से हो, शंकु से हो, इन सबसे जितने भी आपके फार्मूले थे, या चाहे गोली कोश हुए आपके, चाहे आपके खोखला आपका बेलन आपका ही क्यों ना हो, सभी के फार्मूले बता दिए गए थे, और जो फार्मूले आपने जाना उन्हीं फार्मूलों का इस्तेमाल आपके इन एक्सरसाइजों में आपको करना है, कहीं कोई आपके अलग से फार्मूला आपका नहीं आएगा। तो सबसे पहले क्या दिया है, घनाकार ब्लॉक दिया गया, उस घनाकार ब्लॉक के की भुजा है 7 सेंटीमीटर। तो पहले हम लिख लें कि घनाकार जो ब्लॉक है उसकी भुजा, घनाकार घनाकार ब्लॉक की भुजा, तो चलिए भुजा को हमने ए से रिप्रेजेंट कर दिया। घनाकार ब्लॉक की भुजा ए बराबर है कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर हमें लिख दे, क्योंकि हम जानते हैं कि घना जो घन आपकी होती है उसकी सभी आपकी भुजाएं एक समान होती हैं, घनाभ में केवल आपके डिफरेंट हो सकता है, यानी तीन में से चाहे तीनों डिफरेंट हो जाए घनाभ में, चाहे आपकी दो डिफरेंट आपकी हो जाए, तो 7 सेंटीमीटर है। इसके ऊपर हमने क्या किया, एक अर्ध गोला रखा हुआ, चाहे तो पहले आप घन बना करके उसके ऊपर एक अर्ध गोला रख लीजिए। तो चलिए पहले हमें घनाभ बना लेते हैं, तो ये घनाभ हमने एक घनाभ बना रहे हैं, इसके ऊपर क्या करना है आपको, एक अर्ध गोला रख लेना। चलिए ये हो गया आपका, और साथ ही साथ आपका ये, ठीक है, इसके ऊपर एक अर्ध गोला रख लीजिए। तो हमने क्या कर दिया, एक अर्ध गोला रख लिया, एक अर्ध गोला आपका। देखिए पहले पूछा है कि अर्ध गोले का व्यास कितना होगा अधिकतम, तो देखिए जितनी आपकी घन की भुजा दी गई होगी उतना ही हो सकता है, उससे ज्यादा आपका नहीं होगा। कह देंगे जो घनाभाकार आपका ब्लॉक है उसके ऊपर जो आपने अर्ध गोला रखा है, उस अर्ध गोले का अधिकतम व्यास घन की जितनी भुजा है उतना ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं आपका होगा। तो घन की भुजा कितनी सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, तो इस अर्ध गोले का अधिकतम व्यास कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा, तो लिख देंगे इसलिए अर्ध गोले का, इसलिए अर्ध गोले का अधिकतम व्यास
बराबर हो जाएगा आपका कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर आपने कर लिया अर्धगोले का अधिकतम व्यास। अब इसमें जो दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा आपसे कि इस प्रकार बने ठोस का जो उसमें घना घन है आपका और साथ में अर्धगोला है, तो जो ये पूरा ठोस आपका बनना इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना कि पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो हम क्या करें, लिख देंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे आप घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आपका अर्धगोले का, और साथ साथ क्या कर देंगे उसमें से माइनस हो जाएगा अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि जो अर्धगोले का आधार है ये घन के भी इसमें आपके कवर होने में चला जाएगा, इसलिए वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो लिख लेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा घन का घनाकार ब्लॉक का, घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस कर देंगे क्या आप, कर देंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और माइनस हो जाएगा हमारा अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। माइनस कर लो आप आधार का क्षेत्रफल कर लो, ठीक। अब जो फार्मूले आप जानते हो फार्मूले को पहले आप लिख लो, इज इक्वल टू हो जाएगा जो घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका फार्मूला हम जानते हैं कितना, 6 into a² मतलब 6 × भुजा² और प्लस करके जो अर्ध गोला है अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिए तो पूरे गोले का होता है 4πr² अर्ध गोले का हो जाएगा 2πr² माइनस करके आधार का क्षेत्रफल किसका, अर्ध गोले का, तो अर्ध गोले का आधार एक वृत्त होता है तो वृत्त का आप क्षेत्रफल लिख देंगे इसमें होता है कितना फार्मूला, πr² हो जाएगा इज इक्वल टू 6 into a² 2πr² में से πr² माइनस कर लेना तो हो जाएगा हमारा πr². अब जो मान है सब मान रख लीजिए, एक का भी मान मालूम है आपको, ठीक। इसके बाद किसका मान मालूम है आपको, r का भी मान मालूम, क्योंकि देखो जब अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी होगी, 7/2 हो जाएगी, मतलब चाहे आप 3.5 रखना चाहे 7/2 रख देना, तो 6 into a² 6 into a, a वाली वैल्यू आपकी 7 के पावर प्लस करके पाई की वैल्यू है 22/7 होती है, आर वाला मान हो जाएगा 7/2, क्यों रख रहे हैं क्योंकि एक साथ से भी आराम से कट जाएगा, इज इक्वल टू 6 × 7 7 × 7 = 7 × 7 = 49 प्लस करके 22/7 गुणे हो जाएगा 7/2 के पावर 2, मतलब हुआ कि 7 2 बार और 2 2 बार एक साथ कट जाएगा, 2 से 22 भी कट जाएगा, 2 × 22 इज इक्वल टू गुणा कराइए 6 × 9 = 54 हंस लिया 5 6 × 24 24 × 5 हो जाएगा 2 = 94 प्लस 11 × 7 11 × 7 = 77 बटे आपने 2 कर लिया। अब 2 से 77 में भाग दे दो दशमलव में मिल जाएगा 294 प्लस तो हो जाएगा 2 × 3 = 6 बचेगा 1 = 17 2 × 8 = 16 दशमलव करके 10 होगा 2 × 5 = 10। अब ये दोनों जोड़ लेंगे आप, जो आएगा वही उस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा, दशमलव नहीं इसमें तो 8 × 4 = 12 हासिल आए 1 9 × 3 = 12 = 13 और 2 × 1 = 3 332.5 वर्ग और सेंटीमीटर में मान दिया गया है तो हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार जो आपका एक घनाकार ब्लॉक था उसके ऊपर जो एक अर्धगोला था जो दोनों मिला के ठोस आपका बन रहा इसका पूछा था हमसे पृष्ठीय क्षेत्रफल वो आपने ज्ञात कर लिया। तो फिगर में आपने देखा है कि आपने घनाकार ब्लॉक आपने बनाया, इसके ऊपर क्या कर दिया, एक आपने अर्धगोला रख दिया,
और इस घनाकार ब्लॉक की जो भुजा दी गई वो 7 सेंटीमीटर दी गई है। और क्वेश्चन में पूछा तो इस अर्ध गोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, तो देखिए जिसकी जो घनाकार ब्लॉक की भुजा है अधिकतम उतना हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो अधिकतम की बात कर रहा है तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अर्ध गोले का व्यास कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कहा कि ठोस का जो ठोस बन रहा है घनाकार ब्लॉक और साथ में अर्ध गोला, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसमें देखेंगे कौन कौन सी फिगर है। तो आपने कहा एक फिगर हमारा क्या है? घन है, एक हमारा अर्ध गोला है। और इस अर्ध गोले को ऐसा रखा गया है कि जो इसका देखिए जो ये गोले वाला पार्ट जो गोला आपका बना रहा वृत्त वो इसको कवर करने में चला जा रहा है। तो लिख देंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब घन वाला ब्लॉक जो था, प्लस करके अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, और माइनस क्या कर देंगे? आधार का क्षेत्रफल कर देंगे। अब घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल 6 × a² प्लस लगा लेंगे अर्ध गोले का 2πr², आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा πr² 6 × a² माइनस कर लेंगे πr² 6 × a वाला मान 7 के पावर 2 प्लस π/7 गुणे r के पावर r का मान 7/9 के पावर 2 होगा। 6 × 49 प्लस π/7 गुणे 7 × 7 = 2 × 2 7 × 7 = 2 से आपने 2200 = 11 हो गया। 294 प्लस 77 आपका 2 2 से भाग कराएंगे 38.5 मिलेगा। दोनों को क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे तो मिल जाएगा 332.5 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरीके से आपने एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 13A से क्वेश्चन नंबर आपने 4 सॉल्व कर लिया। अब हम एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 6। क्या है? 6। इसमें क्या लिया गया है कि दवा का एक कैप्सूल आपका, ठीक है, उस दवा के कैप्सूल पर के बेसिस पर ये क्वेश्चन पूछा गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके मुझसे 6 सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 दे रहा है। इसमें दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का, दवा का कह रहा है कैप्सूल एक बेलन के आकार, क्योंकि अगर आप देखेंगे दवा के कैप्सूल को बेलन के आकार के जैसे ही आपका होता है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्ध गोला लगा हुआ है। और जब देखेंगे इसके दोनों सिरे कैसे होते हैं, वहां पर आपके अर्ध गोले जैसे होते हैं। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिमी है और उसका व्यास 5 मिमी है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। देखो दवा का कैप्सूल है, उसके दोनों सिरे कैसे हैं? अर्ध गोलाकार है। और इस कैप्सूल की पूरी लंबाई दिया है, यानी आपके अर्ध गोले तक जो उसकी सिरे हैं 14 मिमी दिया गया, और व्यास उसका दे दिया गया कितना है? 5 मिमी। अब क्वेश्चन कह रहा है ये कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका क्या होगा। तो चलिए पहले इसका शेप बना लेते हैं। तो पहले हमें कैप्सूल बना लिया और इसके दोनों सिरे कैसे हैं? अर्ध गोलाकार। चलिए अर्ध गोलाकार और ये भी अर्ध गोलाकार बना लीजिए आप। अब टोटल इस कैप्सूल की लंबाई दिया गया 14 मिलीमीटर। चलिए 14 मिलीमीटर हमने कर लिया ये। अब आगे कह रहा है कि उसका व्यास 5 मिमी है, तो व्यास मान लीजिए आपका ये है इसका व्यास, ये टोटल कितना है? 5 मिमी। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो इसमें हमने देखा कि जब ये अर्ध गोला बना लेगा तो एक सिरे पे अर्ध गोला और एक सिरे पे अर्ध गोला, अगर इन दोनों अर्ध गोले को मिलाओगे तो एक गोला बनेगा, और उसके बाद बाकी का हिस्सा कैसा आपका है? ये बेलनाकार बेलन का हो जाएगा। तो आपको करना ये है, क्योंकि कह रहा ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेना और दोनों अर्ध गोलों का निकाल लेना, और दोनों क्या करेंगे निकाल के हम जोड़ लेंगे, वही इस कैप्स जो दवा का कैप्सूल है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा।
ये देखिए पूरी आपकी जो लेंथ है यहां से लेके यहां तक, इस अर्ध गोले से लेकर के इस गोले तक, ठीक है 14 मिमी है। अब आपको निकालना है कि जो ये बेलनाकार भाग है इसका, इसकी लंबाई कितनी है, क्योंकि हम जानते हैं जो 5 है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2.5 हो जाएगी इस अर्ध गोले की, इस सिरे वाली, और इसकी क्या हो जाएगी, इसकी 2.5 हो जाएगी। तो 2.5 ये 2.5 ये 2.5 ये 2.5 ये, टोटल हो जाएगा आपका 5 मिमी। अब हम निकालेंगे कि इसे जो बेलनाकार पार्ट है इसकी टोटल लंबाई कितनी होगी। तो हमने कहा 2.5 इधर 2.5 इधर, दोनों मिला के 5, 5 चला गया किसमें, गोले में चला गया अपना, तो 14 था, 14 में से 5 आप माइनस कर लेंगे कितना हो जाएगा, 9 मिमी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 आपका मिमी हो जाएगा। अब हम क्या करें, दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें, बेलन का निकाल लें अर्धगोले का। तो बेलन का फार्मूला आप जानते हो कि बेलन का जो आपका भाग पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होगा वो हो जाएगा क्या, 2πRh, 2πRh, पाई का मान जान दो, आर, आर वाला मान जो अर्धगोले का है वही उसका भी होगा यानी 5/2, और एच, एच यहाँ काम करेगा लंबाई, क्योंकि लंबाई क्या होगी उसकी ऊंचाई है, अगर कैप्सूल को हम खड़ा कर दें तो वही तो ऊंचाई का काम करेगा, यानी इसकी ऊंचाई हो जाएगी 9 मिमी हो जाए। उसके बाद दोनों अर्धगोले का निकाल लेंगे, अर्धगोले मिलके अर्धगोले दो मिल करके हो जाएगा पूरा एक गोला, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेना, दोनों जोड़ देंगे हम, हमें मान मिल जाएगा, लिख देंगे 2 अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला हो जाएगा आपका 2 गुणे, क्योंकि 2 क्यों आएगा, क्योंकि 2 अर्धगोले, इसलिए 2 गुणे कर देंगे आप, और उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा अर्धगोले का, 2πr² तो आप क्या करेंगे, 2 गुणे 2πr² कर लिया आपने, 2 × 4 पाई का मान 2/7, और r, r मतलब त्रिज्या, पूरी व्यास था 5, तो हो जाएगा 5/2 के पावर 2 हो जाएगा बराबर 4 × 2/7 गुणे ये पावर 2 है, मतलब 5 × 5 2 × 2, तो 4 × 2 = 4 पूरा क्या हुआ, कट गया ये। अब 7 से तो नहीं कटेगा, अब इनका ओवरऑल गुणा करवा ले, तो 22 है और 5 × 25, 25 का 22 में करवा के लिख दीजिए वहां पर, 25 का 22 में 2 × 5 = 2 × 4 = 5, 2 × 5 = 2 × 4 = 5, 50 हुआ, मिल गया टोटल 550 बटे कितना मिल गया 7, कितना मिल गया 550 बटे आपका 7 हो गया। चलिए इसी पे छोड़े रखते हैं हम, अब क्या करेंगे, अब बेलनाकार भाग का निकाल लेंगे, अब बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख देंगे, बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का हम जानते हैं 2πRh, फार्मूले का इस्तेमाल आप करते चलिए 2πRh। अब यहाँ पे 2 × π का मान 2/7, और r, r वाला मान वही आपका 5/2, ऊंचाई किसकी है, बेलन की है, बेलनाकार भाग, तो वो 9 रख दीजिए, तो 2 से 2 आप ये काट लेंगे। अब बाकी जो वजरा बड़ा करवा लेंगे 22 से करवा दीजिए, जो आए लिख दीजिए 2 × 5 = 2 × 8 = 9, फिर 0 और 9 0 9 और 9, ये टोटल दोनों का जब गुणा करेंगे 990 बटे, नीचे 7 है 7 कर लीजिएगा, ये वर्ग सेंटीमीटर, इसके भी पीछे आप वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि मिमी में दिया गया, तो आप क्या करेंगे वर्ग मिमी लिखेंगे, आप सेंटीमीटर नहीं मिमी, वर्ग मिमी, वर्ग मिमी आपने। अब टोटल पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, कि पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके इस दवा का जो कैप्सूल है उसका क्या हो जाएगा, लिख देंगे आता है कैप्सूल का
कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, अब दोनों अर्धगोले वाला जोड़ लेंगे और ये जोड़ लेंगे, दोनों अर्धगोले का और प्लस हो जाएगा इसका बेलन करके पीछे निकलेगा पृष्ठीय क्षेत्र। अब दोनों प्लस करिए, दोनों अर्धगोलों का कितना आया 550/7 और प्लस करके बेलन का कितना आया 990/7 आ रहा। दोनों का आधार आपका सेम है, तो हम सीधे सीधे क्या कर अंश पांच में जोड़ लें तो 0900 हो जाएगा 0, 9514 के 4 हासिल आए, 9514 1 15 1540/7 हो जाएगा 7। अब 7 से भाग दे लेंगे वहां पर, तो 7 एक बार जाएगा, 7 × 14 पीछे आपका 0 हो जाएगा, तो मिल गया 220 वर्ग और ये मान आपका निकला मिमी, क्योंकि टोटल मान चाहे आपकी उसकी ऊंचाई हो चाहे त्रिज्या हो सब आपकी मिमी में ही दी गई है, तो आपने मिमी में कर लिया। इस तरीके से आपने दवा के कैप्सूल का क्या कर लिया, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपने ज्ञात कर लिया है। तो इस तो अगर ऐसे क्वेश्चन आपके मिक्स करके दिए जाएं और उनका मान आपको निकालना हो तो आप इस तरीके से निकाल लेंगे। आप पहले उसका फिगर बना लीजिए, फिगर बनाने के बाद देखिए इसमें कौन से दो आपके आ रहे, फिगर में कौन कौन से घन आ रहे हैं, घनाभ आ रहे हैं, अर्धगोला आ रहा है, गोला आ रहा है, शंकु आ रहा है, क्या आपका आ रहा है, वो सब करने के बाद और जो मान वहां से निकलने वाले होंगे वो मान आप भी निकाल लेंगे। मान निकालने के बाद आप जो पूछेगा उस बेसिस पर आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। जैसे इसमें दवा के कैप्सूल में इसका पहला सिरा और दूसरा सिरा, ये दोनों कैसे थे आपके अर्धगोले थे और बीच का हिस्सा बेलनाकार है। दवा के कैप्सूल की पूरी लंबाई 14 मिमी है और जो अर्धगोला है सिरों पर उनके व्यास आपके 5 मिमी दिए गए हैं। तो आपने किया ये कि पहले जो बेलनाकार भाग है उसकी लंबाई निकाल लो, तो 14 ये था, आपने कहा जब 5 ये त्रिज्या 2.5 और 2.5 2.5 इसकी लंबाई में 2.5 इसकी लंबाई में खर्च हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 5। अब 14 में से आपने 5 को माइनस कर लिया, हो गया आपका 9 मिमी। तो हो गया दो अर्धगोलों का हमने निकालने पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 2 × अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr² 2πr² के 5 ना करें आपने हल कर लिए, 550/7 वर्ग मिमी हो गया। अब उसके बाद जो बेलनाकार भाग है उसका आप निकालोगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला आपका 2πr² हो जाएगा, पाई का मान रख देंगे, आर का मान रख देंगे, एच का मान, आर का मान वही होगा, इसको आपने काटा 290/7 वर्ग मिमी आ गया। इसके बाद क्या करेंगे आप देख देंगे, अतः कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो दवा का कैप्सूल है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, दोनों आप प्लस कर लेना, दोनों अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस हो जाएगा बेलन का, इसका आपका 550/7 और बेलनाकार वाले भाग का 990/7 दोनों को मैंने जोड़ा 1540/7 मिला क्योंकि हर दोनों का सेम था, वार करवा लिया 220 आपका मिल गया वर्ग मिमी मिल गया। अब इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर आपका जो है 7वां, ये भी आपका एनसीईआरटी से ही लिया गया है। इसमें दे रहा कोई तंबू बेलन के आकार का है, यानी कोई तंबू है वो बेलन के आकार का है जिस पर शंकु अध्यारोपित है, यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई व्यास ये सब दिए गए हैं, तिर्यक ऊंचाई भी दिया गया, तंबू को बनाने में कैनवास का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ये तंबू को बनाने में जो कैनवास है उसका क्षेत्रफल आपका कितना होगा, साथ ही 500 रुपये/m² की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात करिए। अगर एक वर्ग मीटर का दाम 500 रुपये हो तो टोटल जो कैनवास है उसकी लागत कितनी हो जाएगी वो निकालना आपको। तो पहले क्या करना, उसका कृषि क्षेत्रफल निकाल लेना, जो आपका आएगा उसमें 500 से गुणा करवा लेंगे, जो मान आपका आएगा वो उतना रुपया
उस आपके तंबू को बनाने में क्या होगा, खर्च हो जाएगा। तो ये अब आते हैं आपके इस बुक से क्वेश्चन नंबर 7। देरा कोई तंबू एक बेलन के आकार का, तो चलिए पहले आप एक बेलन बना, एक हमने बना लिया बेलन, ये बेलनाकार आपका भाग हो गया। आगे कह रहा आपसे कि जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, यानी इसके ऊपर हमने क्या कर लिया, एक शंकु बना लिया। चलिए एक शंकु हमने बना दिया, अब क्या करेंगे, अब ये कह रहा है बेलनाकार भाग की लंबाई और व्यास, पहले लंबाई दिया गया, लंबाई हमारी 2.1 मीटर है। अब इसके बाद इसका जो व्यास दिया गया है वो 4 मीटर है, तो चलिए हमने 4 मीटर कर ले यहां पर। अब आगे कह रहा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 है, ये तिर्यक ऊंचाई जा रही है L वाला मान, ये 2.8 मीटर है, 2.8 मीटर कर लिया। तंबू को बनाने में कैनवास का क्षेत्रफल हमें निकालना, पहले क्षेत्रफल आप निकालो, इसमें दो क्वेश्चन है, क्षेत्रफल भी निकालना है, साथ ही साथ आपको तंबू को बनाने में कुल कितना कैनवास खर्च करना पड़े, कितने रुपए उसको, यानी उसको बनाने में खर्च करने, वो भी आपको निकालने हैं। तो पहले क्या करें, इस बेलन का निकाल लें, इस शंकु का निकाल लें, दोनों का प्रतिक्षेपण निकाल लें, और दोनों को क्या करें हम जोड़ दें, जो आपका आएगा उनका कुल प्रतिक्षेपण मालूम हो जाएगा। तो पहले हम निकालते हैं बेलन का, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फार्मूला अभी यूज हुआ आपका 2πRh, ये फार्मूला है बेलन का पृष्ठीय इज इक्वल टू 2 × π का मान 2/7 r, ये टोटल आपका ब्याज दिया गया 4, तो 4 का आधा कितना हो जाएगा 2 × h, h वाला मान आपका कितना है 2.1, कितना है 2.1। अब यहां पर 7 से 2.1 कट जाएगा, अगर हम इसको सीधे उसी में चेंज कर दें, ये 22 × 44 × 88, 88/7 × 2.1 को हम 21/10 लिख सकते हैं। जब आप 10 से ऊपर नीचे गुणा कराओगे तो 2.1 आपका 21 हो जाएगा, बटे आपका 10 हो जाएगा, 7 × 3 हो जाएगा 21। अब 2 से भी कट जाएगा, 2 × 10 और ये काटेंगे 2 से हो जाएगा 44। नेक्स्ट 3 × 12 × 13 × 12 = 13, 132/5 कितना हो गया 5। ये हमने किसका निकाल लिया है, इस बेलनाकार जो भाग था उसका प्रतिक्षेपण निकाल लिया है। अब आगे इसमें आपको किसका निकालना है, शंकु का भी निकालना है, तो शंकु का जो वक्र प्रतिक्षेपण आपका होता है फार्मूला पाई आर, आर भी मालूम है एल भी मालूम है, दोनों आपको निकालना है, तो दोनों निकाल करके प्लस करते लिखेंगे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर एल, मान रख लीजिए पाई का मान 2/7, आर वाला मान हो जाएगा वही त्रिज्या 2, और एल, एल वाला मान है 2.8 हो जाएगा, ये 2 × 2 हो जाएगा 44/7, 2.8 को 28/10 लिख सकते हैं, 10 से ऊपर नीचे गुणा करवा देंगे दशमलव हट जाएगा ऊपर वाला, 2/10 हो जाएगा, 7 × 28, 2 से काट देंगे 2/5 = 10, और 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, 22 × 88 हो जाएगा 5। ये इतना हो गया वर्ग मीटर हो गया, टोटल आपको इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था, तो लिख देंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा किसका, किसका बेलन का प्लस दो डायरेक्टली प्लस कर दिया, 132/5 है बेलन का
शंकु का है 88/5, दोनों का अंश फिर बराबर मिल गया। तो अब सीधे क्या करें, अंश को अंश में जोड़ दें, हम जोड़ देंगे वहां पर आप, तो 8 2 10, 8 3 11 1 12 और 1 1 2, 220/5 हो जाएगा। 5 से काट देंगे, 5 2 20 4, फिर आपका 20 5 2 20 मिल गया, टोटल आपका 44 44 वर्ग मीटर, यानी इतना कैनवास की हमें आवश्यकता होगी जो आपने क्या कर तंबू आप बना रहे हो। और इसमें दे रहा 1 वर्ग मीटर कैनवास की लागत दे रहा, तो लिख देंगे आप 1 वर्ग मीटर कैनवास की जो लागत है, खर्च है, ये लागत बराबर है आपका 500, कितना रुपए 500। तो टोटल आपको कैनवास की कितनी है, टोटल आपका 44 है, तो लिख देंगे 44 वर्ग मीटर, यहां लिख देना 44 वर्ग मीटर कैनवास की लागत, कैनवास की लागत बराबर हो जाएगा, लागत बराबर हम क्या करेंगे जो 500 दिया है उसमें गुणा करवा देंगे आप, यानी 500 रुपए एक का है तो आपको 44 का निकालना, 44 से गुणा करवा लेंगे, 520 520 2 220 हो गया हमारा, और 2 0 पीछे और लगा लेंगे, ये इतना रुपए हमारा हो जाएगा, 22,000 रुपए जो है उस तंबू को बनाने में खर्च होंगे। तो आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आपके और भी एनसीईआरटी के हैं इस चैप्टर में आपके, वो आपको आप अगली क्लास में बताए जाएंगे, कुछ क्वेश्चन हम इस जो इम्पोर्टेंट है वो भी इसमें हम लेंगे।